वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में पहले अपन जो लास्ट क्लास थी उसका जो होमवर्क दिया था वो अपन डिस्कस करेंगे। दो स्टूडेंट का रिप्लाई आया था, राहुल और वैदय का। वेरी गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, क्योंकि दोनों का आंसर सही है। बस थोड़ा सा अपन उसको एक लाइन को और हटा सकते हैं। तो कल का मेरा जो क्वेश्चन था, दैट इज सपोज वी हैव नंबर लाइक 1, ओके सपोज वी हैव नंबर लाइक दिस 1, 2, 3, 4, देन इन द रिजल्टिंग वी विश टू रिवर्ट दिस नंबर। ऑर्डर इसका अपन को रिवर्ट करना है। सो 4, 3, 2, 1 ये अपन को करना था। तो ये किस स्टेप से करेंगे, दो स्टूडेंट का यहाँ रिप्लाई आया था, 2 मिनट में आपको बता देता हूँ, फिर अपन आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। देखो ये किस टाइप से करेंगे अपन। सबसे पहले अपन को पता है कि जो भी नंबर दे रखा है अगर उसका मॉडुलस निकालेंगे तो उसका रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ तो एक ले लेते हैं नम, जिसमें अपन ने क्या डाल दिया, उसमें अपन डाल दिया 1, 2, 3 एंड 4। अब एक वेरिएबल लेते हैं न्यू नम, न्यू नम नए नंबर के लिए, और उसमें इनिशियली वैल्यू डाल देते हैं अपन 0। ये दोनों इंट हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, वाइल लूप चलाते हैं। वाइल जब तक जो नंबर है वो क्या है, 0 से बड़ा है। जब तक जो नंबर वो 0 से बड़ा है तब तक अपन वाइल लूप चलाते हैं। अंदर जाएंगे, अंदर अपन क्या करेंगे, देखो यहां सीधा लिख देंगे न्यू नम लिखा है मैंने, न्यू न्यू नम इज इक्वल्स टू न्यू नम इनटू न्यू नम इंटू 10 प्लस नम मॉडुलस 10। नम मॉडुलस चलिए नहीं दिख रहा है। ओके आई डू वन थिंग, डोंट वरी। चल अब इस बताता हूँ, एक वेरिएबल लिया अपन ने, हमें सीधा प्रोग्राम लिखने की तरह लिखता हूँ यहाँ पर, देखें हैश इंक्लूड stdio.h देन इंट मैन इसके अंदर क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं अपन इंट नम। इसमें आप पूछ भी सकते हैं यूजर से, प्रिंट है प्रिंट द वैल्यू ऑफ नंबर, और इसके रेफ कर सकते हैं, और इसमें वैल्यू डालती है 1, 2, 3, 4। एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम दे दिया अपन ने न्यू नम, या न्यू नम लिख लेते हैं। चलो अब वाइल लूप चलाते हैं, और इस वाइल लूप के अंदर जब तक जो नंबर है वो बड़ा है 0 से तक चलाते हैं। इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर लिखेंगे न्यू नम इज इक्वल्स टू, अभी न्यू नम में क्या है, अभी अपन ने 0 डाल रखा है स्टार्टिंग में, न्यू नम इंटू 10। इंटू 10 क्यों कर रहा हूं बता दूंगा, प्लस नंबर मॉडुलस
नंबर जो भी हो, जैसे अभी आपका नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4 को जब 10 से मॉडुलस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 4। और यहाँ लिखेंगे नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10, दैट्स इट। प्रिंट एफ कर देंगे, रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा न्यू नम। ये आपका प्रोग्राम हो गया। तो देखो कैसे होगा, एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 लिया है, न्यू नम में 0 है, 0 × 10 प्लस 1 2 3 4 मॉडुलस बाय 10। तो 1 2 3 4 का जब मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 4 आएगा। वो 4 0 प्लस 10 से ऐड होगा, तो 0 × 10 कितना होगा? 0 प्लस 4, तो न्यू नम में कितना आ गया अभी आपका? 4 आ गया। नंबर नंबर में क्या पड़ा है? 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय अपन 10 करेंगे, तो जब 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितनी बार जाएगा? 123 बार जाएगा, और 4 शेष पर बचेगा। तो इसका क्या आएगा आपका? इसका आएगा 1 2 3। वापिस ऊपर गए, 1 2 3, क्या 1 2 3 मेरा 0 से बड़ा है? अब बोलोगे सर 1 2 3 0 से बड़ा नहीं है। कंडीशन ट्रू के अंदर गए, न्यू नम में क्या पड़ा है? न्यू नंबर में पड़ा है मेरा 4 पड़ा था। ये 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से, और इसमें क्या जोड़ूंगा? रिमाइंडर। तो 1 2 3 का रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो 4 + 10, 4 × 10 कितना हो गया? 40। 40 में 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपका? 43। तो कितना आ गया आपका? 43। यहाँ गए, नंबर बराबर नंबर भागे 10, नंबर कितना है? 1 2 3 को 10 से भाजित करेंगे तो कितना आएगा आपका? 12। अब नंबर में कितना आ गया? 12। क्या 12 मेरा 0 से बड़ा? यस, 12 मेरा 0 से बड़ा। अंदर गए, अगेन नंबर इंटू 10, नंबर क्या है? 43। तो 43 × 10 कितना हो गया? 430। उसमें क्या ऐड कर देंगे? नंबर मॉडुलस 10, नंबर मॉडुलस 10, नंबर में क्या पड़ा है? 12 पड़ा है, उसका मॉडुलस निकालेंगे तो शेषफल 2 आएगा, प्लस 2 को ऐड किया तो कितना आ गया आपका? 432। देखो देखो 10 से मल्टीप्लाई करने का यही कारण है कि 10 से मल्टीप्लाई करते तो नंबर इधर शिफ्ट होता जा रहा है, इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा, सैकड़ा से हजार, ऐसे बढ़ता जा रहा है। दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई विद 10। अब यहाँ पे 432 हो गया। वापिस अंदर गए, नम बराबर नम डिवाइडेड बाई 10, 12 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? कितना कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। या नंबर में कितना आ गया? 1। 1 0 से बड़ा, 1 0 से बड़ा है। अब क्या कर पड़ा है? 430 × 10 प्लस नंबर क्या है? 1 मॉडुलस 10, तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 432 में 1 ऐड किया तो आपके पास क्या जाएगा? आपके पास आ जाएगा, लास्ट में आएगा 4321। यह आ गया नंबर बराबर नंबर डिवाइडेड बाय 10, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0। क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं है। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे और प्रिंट हो जाएगा न्यू नम। न्यू नम में क्या पड़ा है? न्यू नम में आपका पड़ा है 4321। इस तरीके से आपका प्रोग्राम करेगा। सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइन का कोड है कि दो दो बच्चों ने भेजा, दोनों बच्चों ने 10 को जो मल्टीप्लाई किया है वो पहले मल्टीप्लाई कर रखा है, तो आप पहले मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, उसी लाइन में लिख लो तो काम हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज अ नंबर टू रिवर्स एनी नंबर, ऐसे इट इज अ प्रोग्राम टू रिवर्स एनी नंबर, किसी भी नंबर को रिवर्स करने के लिए जो प्रोग्राम होता है वो ये वाला प्रोग्राम है। क्या ये समझ में आया आपको? तो इसकी कोडिंग बताऊं मैं आपको, क्या समझ में आया आपको? यस और नो, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या समझ में आया आपको, क्या ये प्रोग्राम समझ में आया? बाकी लोग देखो, सबका कमेंट आना चाहिए, अदरवाइज क्लास में रहने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। जो बच्चा कमेंट नहीं करेगा उसको क्लास में रहने का कोई हक नहीं है। चलो तो देखें, यहां पर प्रोग्राम बना रहे अपन, हैश इंक्लूड stdio.h then int main
देन वी टेक इंट नंबर कॉमा न्यू नम इज इक्वल्स टू जीरो, प्रिंट एफ में लिख लेते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ऑफ नंबर स्लैश एन स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, वाइल लूप चला लेते हैं। वाइल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यू नम इज इक्वल्स टू न्यू नम मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस नंबर मॉडुलस 10। नंबर मॉडुलस 10 किया, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब क्या कर दूंगा, नंबर पूरा लिखना पड़ेगा एन यू एम बी ई आर, क्योंकि वेरिएबल का नाम अपने नंबर लिया है, इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। दैट्स इट, ये लूप चलता रहेगा और एट द एंड अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, प्रिंट एफ न्यू नंबर या रिवर्स नंबर इज परसेंट डी कॉमा न्यू नंबर। सो ये हो गया आपका, फाइल सेव एज, वी नीड टू सेव प्रोग्राम, इसको बंद कर देते हैं, प्रोग्राम नंबर 37, 1 मिनट आई जस्ट क्लोज इट। ओके, ये अपन कल कर चुके थे, इसको बंद करो, क्लोज, ये भी मैंने ट्राई कर रहा था कुछ, इसको बंद किया, फाइल सेव एज प्रोग्राम नंबर 37 38.c। यस, चलो ये आपका सेव हो गया है, कंपाइल करते हैं, कंपाइल भी हो गया, क्या दिक्कत आ गई, न्यू एन ई डब्ल्यू न्यू नम न्यू नम न्यू नम, नॉट इज ए नंबर इट इज ए न्यू नम। ओके, यस यस राहुल, न्यू नम। सो इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर, सो इंटर करते हैं अपन 1 2 3 4 एंड वी गेट। ओके, यहाँ क्या दिक्कत हुई है मैं बताऊँ आपको, मैंने एन परसेंट नहीं लगाया है, आई जस्ट पुट टू द एन परसेंट ओवर हियर, 1 2 3 4 so we get the 4 3 2 1. Similarly, we run it 1 2 3 4 5 and we get 5 4 3 2 1. तो बहुत सिंपल सा कोड था, ओनली 3 लाइन्स का कोड था, ये 2 लाइन ही लिखी है और तीसरी लाइन में तो प्रिंट एफ लिखा है अपन ने। ठीक है, बताइए ये सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या ये समझ में आया सबको, जिसका कमेंट नहीं आ रहा वो क्लास लेफ्ट कर दे, है ना, ऑलरेडी कम बच्चे पढ़ रहे हैं, और कम पढ़ेंगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वे रुके हैं क्लास में। चलो ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये प्रोग्राम क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ये आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी नेक्स्ट, स्ट्रिंग क्या होती है, कल अपन ने देखा था, द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज सिंपली नोन एज अ स्ट्रिंग, कैरेक्टर के जो सीक्वेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। उसे कुछ प्रोग्राम भी मैंने आपको बताया था, जैसे गेट्स एस जो है उसको यूज करने से आपके आउटपुट में जो रिजल्ट आता है उसके अंदर वाइट स्पेस को भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कल मैंने प्रिंट किया था, जैसे राम प्रसाद
ठीक है, अगर इसी चीज को आप प्रिंट एफ में प्रिंट करोगे तो केवल राम प्रिंट होगा, लेकिन इसी चीज को आप गेट्स में प्रिंट करोगे, सॉरी पुट्स में प्रिंट करोगे, कि पुट्स जो है वो प्रिंट करता है, पुट्स में प्रिंट करोगे तो आपके आउटपुट में पूरा क्या आएगा, राम प्रसाद दोनों ही आएगा। ये अपन कल देखा था, तो स्ट्रिंग क्या है फटाफट देख लेते हैं, कल जितना देखा था वहां तक एक बार देख लेते हैं। फिर इसकी कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं बाय डिफॉल्ट, वो अपन चेक करें। तो स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, एनी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइंड बिटवीन द डबल कोट्स मार्क एज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग। तो ये अपन स्ट्रिंग लिखी, इसको अगर डबल कोट में मार्क कर दिया तो ये कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग बनती है। स्ट्रिंग को अपन प्रिंट से भी प्रिंट कर सकते हैं, पुट सेट से भी प्रिंट कर सकते हैं। आउटपुट में आपका हेलो हाउ आर यू, इफ वांट टू इंक्लूड डबल कोट ऑन द आउटपुट, अगर अपन आउटपुट में भी डबल कोट देना चाहते हैं तो बैकवर्ड स्लैश डबल कोट बैकवर्ड स्लैश, अगर इस तरीके से अगर अपन लिखेंगे तो आपके पास आउटपुट में भी क्या आ जाएगा, डबल स्लैश डबल कोट बना हुआ आ जाएगा। सो वी कैन डू लाइक दिस, आउटपुट में देखो हेलो हाउ आर यू। ये कल देख चुके थे अपन, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल। तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, एरे का। तो एरे अपन पढ़ चुके हैं, तो जो भी अपन डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग को उसमें क्या यूज करते हैं अपन, एरे का। जैसे अपन को लेना है 10 लेटर्स लेने हैं, 10 अक्षर लेने हैं, तो अपन जो स्ट्रिंग एरे लेंगे वो कितनी साइज का होगा, 10 साइज का होगा। जैसे कैरेक्टर एरे 10, तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास कितने कैरेक्टर्स आएगा, 10 कैरेक्टर। अगर एक कैरेक्टर जो है 1 बाइट लेता है तो 10 कैरेक्टर कितने बाइट लेंगे आपके, 10 बाइट्स लेंगे। अगर ये कैरेक्टर की जगह इंटीजर का आ रहा होता तो 20 बाइट्स देता, अगर एक एक इंटीजर अगर 2 बाइट लेता तो 10 इंटीजर्स आपके 20 बाइट्स लेते। तो यहाँ पे अपन कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, तो कैरेक्टर के अंदर भी स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए अपन एरे का यूज करते हैं। सो स्ट्रिंग वेरिएबल ऑलवेज डिक्लेयर एज एन एरे, एरे से अपन इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंटैक्स कैरेक्टर स्ट्रिंग नेम साइज, यहाँ पे अपन लिखा कैरेक्टर वेरिएबल का नाम टाइप, स्ट्रिंग नेम जैसे यहाँ पे मैंने एरे लिखा है, साइज जैसे यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, ठीक है। ये अपन पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल है देखो, कैरेक्टर सिटी 10, कैरेक्टर नेम इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर सिटी जो है उसके अंदर साइज कितनी है, 10 कैरेक्टर्स की, और यहाँ पर नेम है उसके अंदर साइज कितनी है, 30 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, ये भी डिक्लेयर करने का तरीका है, ये भी डिक्लेयर करने का, इनिशियलाइजेशन सॉरी, दो तरीके से अपन इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखें यहाँ पर अगर मैं लिखा सिटी 9 न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क की जो वैल्यू है वो सिटी 9 में आ जाएगी, फिर अपन इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट में आपके पास न्यूयॉर्क आउटपुट में आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अपन ने पूरी स्ट्रिंग लिखी है, यहाँ पर क्या लिखा अपन ने, स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पे अपन एक एक कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, तो अगर कैरेक्टर्स लिख रहे हैं तो उसको अपन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन ने न्यू के ऊपर अपर कोट बनाया, ई के ऊपर अपर कोट बनाया, डब्ल्यू के ऊपर अपर कोट बनाया, यॉर्क के ऊपर, हर एक लेटर्स के ऊपर अपर कोट बना रहे हैं। तो फिर अपन को ये कैरेक्टर रीड होंगे एज अ कैरेक्टर, और हर एक कैरेक्टर को अपन कर्ली ब्रेसेस में डाल देंगे तो यहाँ पर सिटी के अंदर नेम आ जाएगा। ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई करता नहीं है, इस तरीके से हमेशा किया जाता है, इसको मैं बता दूंगा। देन ये सेम चीज आ गई, इस तरीके से अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। सो सी आल्सो परमिट टू इनिशियलाइज द डिक्लेरेशन एनी एरे विदाउट स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो यहाँ पर मैंने साइज नहीं दी है, यहाँ पे आपको साइज नहीं दी होगी, जबकि इस प्रीवियस एग्जाम्पल में अपन ने 9 9 साइज दी है। तो बिना साइज दिए, बिना एरे की साइज दी गई भी अपन एरे को, कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। नाउ रीडिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रीड कैसे करते हैं, दो तरीके से रीड कर सकते हैं, एक स्कैनर फंक्शन से रीड कर सकते हो, और एक आपका दूसरा फंक्शन है गेट्स एस, जो कि आपका अनफॉर्मेटेड कैरेक्टर फंक्शन है, जिससे अपन स्ट्रिंग को रीड करते हैं। अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग फंक्शन है, अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन जिसको अपन कह सकते हैं। सी मैं आपको कल भी बताया था कि प्लीज आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा जाता है, कि जो इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन और एक आपका होता है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। अगर अपन बात करें फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन की, तो फॉर्मेटेड के अंदर दो फंक्शन है, एक आपका प्रिंट है जिसका यूज अपन किसके लिए करते हैं, आउटपुट के लिए करते हैं, एक आपका स्कैनर है जिसका यूज अपन इनपुट के लिए करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अनफॉर्मेटेड की बात करें तो अनफॉर्मेटेड में पहला तो अनफॉर्मेटेड कैरेक्टर्स के लिए,
जैसे इनपुट के लिए गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच आर, ये इनपुट फंक्शन अनफॉर्मेटेड जो कि सिंगल कैरेक्टर को इनपुट लेते हैं। इसी प्रकार आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में आपका एक फंक्शन है पुट सी एच एंड पुट सी एच ई, ये सिंगल कैरेक्टर को आउटपुट में प्रिंट करते हैं, आउटपुट मतलब कंसोल पर प्रिंट करते हैं। इसी प्रकार स्ट्रिंग की बात करें, जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रिंग के लिए दो फंक्शन है, एक है इनपुट और एक है आउटपुट। इनपुट के लिए अपन यूज करते हैं गेट एस और आउटपुट के लिए यूज करते हैं पुट एस, ठीक है। तो ये आपका इसमें बता रखा है कि स्कैनर जो है वो वाइट स्पेस को कंसिडर नहीं करता, वाइट स्पेस के बाद आपका स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देता है, लेकिन गेट एस जो है वाइट स्पेस को भी टर्मिनेट नहीं करता। जैसे अपन लिखा है सिटी गोज टू न्यूयॉर्क, ठीक है, ये कांस्टेंट पहले इनिशियलाइज कर दिया तो न्यूयॉर्क पूरा आ जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि यूजर अगर वैल्यू डाले स्पेस के साथ, जैसे कल मैंने बताया था राम प्रसाद, तो केवल राम ही आ रहा था, प्रसाद साथ नहीं आ रहा था, लेकिन गेट एस के साथ राम प्रसाद पूरा आ रहा था, ठीक है। अभी एग्जांपल से आपको बता दूंगा, दो मिनट सारे एग्जांपल एक साथ अपन डिस्कस कर लेंगे। देन राइटिंग स्ट्रिंग टू द स्क्रीन, स्क्रीन पे कैसे लिख सकते हैं, पुट एस से लिख सकते हैं और प्रिंट एस से लिख सकते हैं, दोनों से अपन लिख सकते हैं, उनके सिंटैक्स है। फीचर ऑफ द परसेंट एस, ये फॉर्मेट के फीचर्स बताए थे, जैसे अपन कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं तो कितने कैरेक्टर्स उसके प्रिंट करना चाहते हैं, कितनी साइज लेके प्रिंट करना चाहते हैं, वो सारा अपन सेट कर सकते हैं, वो भी अपन ने डिस्कस किया था। अनदर नाइस फीचर ऑफ द प्रिंटिंग, ये अपन देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, कंट्री के अंदर यूनाइटेड किंगडम लिखा है, इसको अपन प्रिंट करना चाहते हैं यूनाइटेड किंगडम को, तो यहाँ पे देखो परसेंट एस के बीच में 15 लिखा है, तो परसेंट एस के बीच में 15 लिखा है, तो आपकी जो स्क्रीन है उसके अंदर 15 कैरेक्टर्स ले लेगा, 1, 2, 3 up to 15 कैरेक्टर्स स्पेस ले लेगा ये, और ये यूनाइटेड किंगडम जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऑलरेडी 15 है, तो आपको स्पेस नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको लेटर होता है सपोज राम, ठीक है, और आपकी स्क्रीन पे क्या करता है, अगर आपने 15 लिखा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 लेता है लास्ट से लिखता राम, तो आगे जो 13 है स्पेस है वो क्या कर लेता है, ये छोड़ देता, ब्लैंक रख लेता। अगर ये 13 स्पेस ब्लैंक रखता तो यहाँ पर राइट जस्टिफाई हो जाता, तो 15 क्या करता है रिजर्व कर देता है। अब यहाँ पे 15 लिखा है तो 15 ब्लॉक की वैल्यू को प्रिंट करेगा, या अगर मैं 5 लिख रहा हूँ तो केवल 5 ही आएंगे, केवल 5 वैल्यू ही आएंगे, तो 5 वैल्यू क्या है इसमें, UNITE यूनाइट का ही आउटपुट आपका आएगा। या 15.6 लिखा तो टोटल 15 स्पेस लेगा, उसमें से कितने वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, 6 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट पॉइंट के बाद जो लेते हैं वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये 6 कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा, 15.6 तो 6 कैरेक्टर्स को प्रिंट किया इसने। देन ये माइनस लिखा है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, 15.6 लिखा तो राइट जस्टिफाई करेगा, माइनस लिखे तो लेफ्ट जस्टिफाई करेगा। आई विल शो यू द एग्जांपल, डोंट वरी, ये वैसे मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ, फटाफट इसीलिए बता रहा हूँ, फिर सारा एक बार में प्रोग्रामिंग बताऊंगा मैं आपको। ये देखो आउटपुट इसका, पहला वाला आउटपुट क्या है, कंट्री क्या है 15, तो आपका यूनाइटेड किंगडम आपका आ गया। दूसरा में 5 बेस लिखा तो केवल 5 आया यूनाइटेड, ठीक है। तीसरे में 15.6 लिखा है तो 15 स्पेस लेगा, टोटल 15 स्पेस लिया और 6 लेटर्स को राइट जस्टिफाई लिख दिया, बाकी के स्पेस को छोड़ दिया, तो 6 लेटर्स आए तो 9 आगे, कितने स्पेस आ गए, 9 स्पेस आ गए, और माइनस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट जस्टिफाइड होगा, तो माइनस में। अब देखो यहाँ पर एक और चीज, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे तो आपका कुछ आएगा ही नहीं, ब्लैंक है, देखो यहाँ पे ब्लैंक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अपन ने पॉइंट के बाद 0 लिया है, इसलिए ब्लैंक आया, और यहाँ पे अपन 0.3 ले रहे हैं तो कोई भी लेटर्स नहीं ले रहे, लेकिन 0.3 लिया तो 3 लेटर्स तो अपन को प्रिंट होंगे ही होंगे, 3 लेटर्स में कौन से आ गए, यूनाइट। ये वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 0 लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आउटपुट में स्ट्रिंग आएगा ही नहीं, आएगा, लेकिन 0.3 लिखा है तो 0.3 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 15 स्पेस ले रहे हैं लेकिन आगे 0.0 ले रहे हैं, इसका मतलब एक भी लेटर आपने चूज नहीं किया, इसलिए यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है, तो ये दोनों प्रिंट है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये अपन कल डिस्कस कर चुके थे, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ये आज अपन डिस्कस करेंगे, उससे पहले बेसिक टॉपिक अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग पर चलते हैं अपन, शुरू से मैं आपको बताता हूँ, फटाफट देखते जाएं, सुनते जाएं और समझते जाएं। सो देखें यहाँ पर, ओके, सो अपन सबसे पहले स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, तो वापस बेसिक से बता रहा हूँ, सभी लोग जो कल थे नहीं थे शांति से सुन ले, जहां भी जिसको जो भी डाउट हो प्लीज आप पूछ लीजिएगा, अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंक्लूड हैश, इंक्लूड
stdio.h, then hash include conio. Conio अभी required, अभी जरूरत नहीं है, ले लेंगे अपन जब जरूरत पड़ेगी. ठीक है चलो ले लेते हैं. conio 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 dot h. ठीक है चलो. अब क्या करना है अपन को. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट अब अपन को ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं स्ट्रिंग के ऊपर. अपन को काम करना है तो कैरेक्टर्स आप जानते हैं, मैंने आपको सारे प्रोग्राम बताए थे. तो अब अपन कैरेक्टर्स को रीड कर रहे हैं, स्ट्रिंग को रीड करते हैं. तो जैसे स्ट्रिंग को मैंने बताया था कि स्ट्रिंग अगर आपको डिक्लेयर करनी है तो स्ट्रिंग क्या होगी. स्ट्रिंग इज नथिंग बट सिक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का सिक्वेंस होगी यहाँ पर. तो अपन स्ट्रिंग ले लेते हैं. जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कैरेक्टर नेम, यहाँ पे मैं ले लिया 30. ठीक है आप चाहें तो सीधा इसको असाइन कर सकते हैं. जैसे हमने असाइन कर दिया राम प्रसाद, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट एफ परसेंट एस. कल मैंने आपसे पूछा था कि स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, परसेंट एस का अपन यूज करते हैं. देन कॉमा नेम, तो यहां पर ही नेम सीधा प्रिंट हो जाएगा. इसको सेव करते हैं फाइल सेव इज प्रोग्राम thirty9.c. कंपाइल करते हैं नो एरर आउटपुट देखते हैं तो अपने पास राम प्रसाद लिखा हुआ आ रहा है. यही क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके से होता, अगर यूजर से इनपुट कराना होता, जैसे कल किसी बच्चे ने पूछा था सर सीधा लिख दो, हालांकि अपन सीधा राम प्रसाद भी लिख सकते थे. इस एरे को भी मतलब सीधा प्रिंट एफ में राम प्रसाद लिख दो तो भी आ जाता. अब अपन क्या करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूजर से लेना चाहते हैं, यूजर से अपन चाहते हैं कि यूजर जो है वो आपका वैल्यू को डाले. तो यूजर कैसे डालेगा, उसके लिए मैसेज देना पड़ेगा. मैसेज क्या देते हैं प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द नेम लिख लेते हैं, नेम को एंटर करिए. ठीक है एंटर द नेम, नेम को एंटर करा दिया अपन ने. देन उसको अपन को स्कैन एफ करना पड़ेगा, स्कैन एफ परसेंट डी सॉरी परसेंट एस कॉमा एंड परसेंट नेम. दैट्स इट, अब नेम को प्रिंट कर दिया. तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, रन करते हैं. यहाँ मैं लिखूंगा राम, तो आपके आउटपुट में राम आ जाएगा. अगेन मैं रन करता हूँ इसको, लेकिन अब मैं लिखता हूँ राम प्रसाद, राम प्रसाद, तो आपके आउटपुट में केवल राम आ रहा है, न कि राम प्रसाद आ रहा है. ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जब अपन लिखते हैं राम प्रसाद तो प्रसाद और राम के बीच में जो स्पेस अपन देते हैं वहां पर स्कैनर जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है. क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, सॉरी, इसलिए अपने पास आउटपुट में नहीं आता. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है. आप एक काम कीजिए, आप इस कमेंट की जगह पर लिख लीजिए, इसकी जगह पर लिख लीजिए गेट्स नेम. तो ये क्या करेगा, आपको नेम लोगे और नेम गेट्स फंक्शन से आपके पास इनपुट में आ जाएगा, और वैल्यू किस में आ जाएगी, वेरिएबल नेम में. एक बार चला के देखते हैं. ओके चलो इधर रन करते हैं, इंटर द नेम राम प्रसाद. तो देखो आपके पास आउटपुट में राम प्रसाद पूरा आ रहा है, जबकि पिछली बार अपन ने स्कैनफ यूज किया था तो राम प्रसाद के अंदर केवल राम आ रहा था, प्रसाद लिखा हुआ नहीं आ रहा था. तो ये उपयोग है गेट्स एस का. क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, यस और नो कमेंट करके सभी लोग बताइए एक बार. यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया. तो यहाँ तक अभी तक जितना भी अपन ने देखा वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ. एक और चीज अपन कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा होगा
जस्ट गो बैक. अपन अगर यहाँ पर साइज ना दें, जैसे ये साइज नहीं दी, बिना साइज दिए भी अपन काम कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे बिना साइज दिए काम, देखें. साइज नहीं दिए, सीधा राम प्रसाद नेम लिखा है, इसको कंपाइल करते हैं. कंपाइल हो गया और रन लिखेंगे तो राम प्रसाद आउटपुट में आ गया. तो यहाँ पर अगर आप साइज डिक्लेयर नहीं करोगे तो इस एरे की साइज बाई डिफॉल्ट इसके अंदर जितनी वैल्यू इनिशलाइज कर रहे हैं उतनी आपकी हो जाएगी. लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कर सकते कि आप वैल्यू को इनिशलाइज नहीं कर रहे हो, यहाँ पर वैल्यू को इनिशलाइज नहीं कर रहे हो और साइज में ब्लैंक रख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा. अब आप रन करोगे तो इरर आ गई, इट इज़ नॉट वैलिड, है ना. जब आप वैल्यू को इनिशलाइज कर देते हो, इनिशलाइज का मतलब आप जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके अंदर वैल्यू डाल देते हो, तब आपको साइज डालने की जरूरत नहीं है. आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहें तो ना डालें. लेकिन इन द केस ऑफ व्हेन वी आर सेइंग वी डोंट पुट इनिशलाइजिंग द वैल्यू, देन वी रिक्वायर टू इंडिकेट द साइज. इसलिए अपन को साइज को इंडिकेट करना पड़ेगा. यहाँ पर मैं लिख दिया 30 और अपन ने पूछ लिया भाई वैल्यू डालिए और आपने वैल्यू डाल दी. ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन पढ़ चुके हैं सारी चीजें. नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज स्ट्रिंग कैट, दैट इज सिंपली नोन एज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. देन आपका है स्ट्रिंग सी एम पी, दैट इज कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग. दो स्ट्रिंग को कंपेयरिंग करने के लिए अपन स्ट्रिंग सी एम पी का यूज करते हैं. स्ट्रिंग सी पी वाई, स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए. स्ट्रिंग एल ई एन, स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो बहुत सारे हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए भी हैं. तो इसके लिए मैं आपको एक और सिमुलेटर पे ले चलता हूँ, जिसको अपन बोल करते हैं ये वाला. देखें यहाँ पर टर्बो सी प्लस प्लस सिमुलेटर मैं खोल रहा हूँ. इसके अंदर एक हेडर फाइल है स्ट्रिंग डॉट एच. ये देखो स्ट्रीम है तो स्ट्रिंग डॉट एच. ठीक है, ये आपको हेडर फाइल दिख रही होगी. इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, जैसे मैं जो स्लाइड में लेके आया हूँ वो तो बहुत कम लेके आया हूँ, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं. अराउंड एक एक कॉलम ही में 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14, 14 आपके हैं टोटल. अगर अपन ये 4 कॉलम में 14 अगर मान लेते हैं तो ये आपके अराउंड हो गया है 56 अराउंड आपके फंक्शंस होंगे. अराउंड 50 तो है ही ये फंक्शन, तो करीबन 50 फंक्शन है. इसके अंदर मैंने तो बहुत कम लिख रखे हैं. अगर आप देखोगे तो मैंने जो लिख रखे हैं यहाँ पर केवल 1, 2, 3, 4 लिखे हैं जो जनरली यूज आते हैं, बट बहुत सारे फंक्शंस हैं. अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको अपन को पढ़ना पड़ सकता है. तो सबसे पहले क्या चीज़ देखिए अपन, अगर आपको स्ट्रिंग के फंक्शन यूज करने हैं तो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा. इसके फंक्शन क्या क्या है, जैसे बहुत सारे फंक्शन है. जैसे यहाँ अपन देखें एस टी आर डी यू पी, डुप्लीकेट कर देना. देन यहाँ एस टी आर सी एम पी, कंपेयर करना. अगर दो स्ट्रिंग आइडेंटिकल है तो ट्रू आएगा. ट्रू मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू आ सकती है. आइडेंटिकल नहीं है तो आपका क्या होगा, फॉल्स आएगा. ठीक है, चलो मैं एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ. जैसे आपने देखा होगा आप लोग मेल का पासवर्ड इंटर कर रहे हैं, तो आपका पासवर्ड जो है वो कंपेयर होता है आपके सेव पासवर्ड से. अगर वो सेव पासवर्ड से कंपेयर हो गया, अगर क्या हो गया, वो सेव पासवर्ड से कंपेयर हो गया तो क्या होगा, अगर वो सेव पासवर्ड से कंपेयर हो जाता है, सेम हो जाता है, तो आपका रिजल्ट में ट्रू आएगा और आपका जो भी अकाउंट है वो लॉग इन हो जाएगा. लेकिन नहीं होगा तो फॉल्स होगा. तो ऐसा एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं अपन, लेट वी डिस्कस बाय यूजिंग एस टी आर सी एम पी फंक्शन. ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको डिस्कस करने से पहले प्रोग्राम में चलते हैं सीधा. चलो यहाँ चलते हैं अपन, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच एंड कैरेक्टर, कैरेक्टर में अपन डाल देते हैं पी डब्ल्यू डी. पासवर्ड इज इक्वल्स टू पी ए डबल एस डब्ल्यू आर डी. मैंने पासवर्ड पासवर्ड रखा और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं कैरेक्टर पासवर्ड. इसकी साइज मैं देता हूँ 20, है ना. फिर अपन मैसेज देते हैं प्रिंट एफ इंटर द पासवर्ड.
क्या मैसेज दिया, एंटर द पासवर्ड, पासवर्ड को एंटर कीजिए। अब उसको एंटर कर लेंगे स्कैनर, परसेंट एस कॉमा एंड परसेंट पासवर्ड। अब चेक करेंगे इफ, अब देखो एस टी आर सी एम पी स्ट्रिंग को कंपेयर किया, कौन कौन सी स्ट्रिंग को, पासवर्ड पी डब्ल्यू डी कॉमा पासवर्ड को। अब इसमें क्या होगा देखो, अब इफ के अंदर लिखा है तो इससे क्या होगा, ये कंपेयर पासवर्ड के अंदर ऑलरेडी एक स्ट्रिंग पड़ी है पासवर्ड, एक पासवर्ड के अंदर आप वैल्यू डाल रहे हो, ये दोनों कंपेयर होंगे। अगर ये मैच हो जाती तो ट्रू हुआ, ट्रू हुआ मतलब कोई भी एक ट्रू वैल्यू आएगी, जीरो के अलावा कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, वो ट्रू हुआ। तो ट्रू हुआ इसका मतलब उनको क्या मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट एफ पासवर्ड इज मैच, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो अपन क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, एल्स प्रिंट एफ नॉट मैच प्लीज ट्राई अगेन, ऐसा कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक बार, फाइल सेव एज प्रोग्राम नंबर 39 हो गया तो 40 करना पड़ेगा, यस 39 हो गया, वी डू इट टू द 40.c, सेव कंपाइल, बहुत बढ़िया, ओके इंट मैन कंपाइल, सो वेयर वी गेट द एरर, आई डी रिटर्न एग्जिट प्रिंट एफ, वेयर वी राइट पी आर आई एन टी एफ प्रिंट एफ एस ए स्कैन एफ प्रिंट एफ, ओके इट इज ओके। देखो रन करते हैं, इंटर द पासवर्ड 1 2 3, पासवर्ड इज मैच, तो 1 2 3 में पासवर्ड मैच हो गया, ओके दूसरा कुछ डालते हैं, पी ए डबल एस डब्ल्यू आर डी नॉट मैच, ओके। सो थोड़ा सा इसमें अलग चीज़ आ गई, जब अपन कंपेयर करेंगे दो स्ट्रिंग को और दोनों स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो अगर मैच हो जाती है तो जीरो आएगा, और मैच नहीं होती तो कोई वन नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों मैच होगी तो क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। तो और मैच होगी इसका मतलब क्या होना चाहिए, पासवर्ड इज मैच, है ना। तो देखो ये दोनों मैच होंगी तब क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, और दोनों मैच नहीं होंगी तो कोई वैल्यू आएगी, तो कोई वैल्यू आएगी तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा। फिर से समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं, ये एसटीआर फंक्शन जो है ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। आपने लॉजिक्स पढ़े होंगे, ट्रू या फॉल्स, ऑन या ऑफ, है ना। तो ट्रू कब होगा, जैसे कि ये पासवर्ड और पासवर्ड दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रही है, दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तब आपकी वैल्यू जीरो आ रही है और आपके आउटपुट में नॉट मैच आना आउटपुट आना चाहिए। तो मैं इसको सही कर देता हूँ, डोंट बी कन्फ्यूज, पासवर्ड इज नॉट मैच और पासवर्ड इज मैच, ठीक है। इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं, रन करते हैं, पी ए डबल एस डब्ल्यू आर डी, देखो पासवर्ड इज मैच आ गया। और अगर इसके अलावा कुछ भी डालोगे आप, जैसे मैंने डाला 1 2 3 4, तो पासवर्ड इज नॉट मैच। तो इस तरीके से अपन पार्ट पासवर्ड की मैचिंग कर सकते हैं। अगर इस फंक्शन की वैल्यू जो है, अगर पासवर्ड आपका मैच नहीं है तो ये फंक्शन क्या क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा। फिर से सुन लें, अगर पासवर्ड वैलिड नहीं है तो ये फंक्शन ट्रू आएगा, और अगर ये कंपेयर कर रहा है, कंपेयर में दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू के अंदर आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, पासवर्ड इज नॉट मैच। लेकिन अगर ये मैच कर रहे हैं तो आपके आउटपुट में क्या आएगा, आपका जीरो आएगा, आपका क्या कंपेयर में क्या आ जाएगा, अपन पासवर्ड इज मैच। तो सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर, इसको मैं बताता हूँ, एस टी आर सी एम पी, एस टी आर सी एम पी
देखें, दिस इज एफ एस सी आर एंड एस टी आर सी एम पी कंपेयर टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए इसका यूज करते हैं. एस टी आर सी एम पी आई अ मैक्रो कंपेयर टू स्ट्रिंग विद विदाउट केस सेंसिटिविटी. केस सेंसिटिविटी मतलब अपर केस लोअर केस. अब आपकी तरफ से क्वेश्चन आना चाहिए था, सर किसी ने अपर केस डाला लोअर केस डाला तो क्या होगा, तो उसके लिए एस टी आर आई एम एस सी आर सी एम पी आई फंक्शन यूज कर सकते हैं. और नॉर्मली अपन एस सी आर एम पी फंक्शन यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, देखो कॉन्स्टेंट कैरेक्टर दो स्ट्रिंग ले रहे हैं अपन, इसकी स्ट्रिंग के वैल्यू को अपन डिक्लेयर कर सकते हैं. सो एस सी आर सी एम पी परफॉर्म एन अनसैंड कंपेरिजन एस वन एस टू एंड एफ एस टी आर सिंपिंग इज द फार वर्जन. तो इसके अलग अलग वर्जन से इतने सारे, और इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. द स्ट्रिंग कंपेरिजन स्टार्ट विद द फर्स्ट कैरेक्टर इन द ईच स्ट्रिंग एंड कंटिन्यू विद द सबसिक्वेंसिंग कैरेक्टर्स अंटिल द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स डिफर और अंटिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज रीच. टू यूज एस सी आर यू मस्ट इंक्लूड एस टी स्ट्रिंग डॉट एच. देखो अभी जो मैं देव सी प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ उसमें मुझे स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल डालने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अगर मैं टर्बो सी थ्री यूज करता तो उसके अंदर मुझे स्ट्रिंग हेडर फाइल डालने की जरूरत पड़ती. तो ये चीज़ आप ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग हेडर फाइल कहाँ डालनी है कहाँ नहीं डालनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है. उसके अंदर बाय डिफॉल्ट फंक्शन इसलिए अपन को यूज नहीं करना पड़ रहा है. अब ये चीज़ देखो वैल्यू क्या आएगी, ये ध्यान से देखें. अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर होंगी, दोनों स्ट्रिंग बराबर होंगी तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी. यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों स्ट्रिंग बराबर होंगी तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, जीरो आएगी. जीरो आए इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो इफ स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स होते ही अपने बाहर आ गए एल्स में, और एल्स में अपने क्या लिख दिया, स्ट्रिंग इज मैच. और दोनों आपके क्या हो जाएंगी, अगर पहली वाली बड़ी हो दूसरी वाली छोटी है, मतलब जो आपका स्ट्रिंग है जो आप ले रहे हो इनपुट, जैसे पासवर्ड मैंने 123 डाला तो 123 की लेंथ क्या है, छोटी है, और पासवर्ड की लेंथ क्या आपकी, बड़ी है. तो 123 और ये लेंथ डालने पर आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, लेसर वैल्यू आएगी एस वन की, और एस टू की वैल्यू आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी. अगर एस वन छोटा है मतलब पासवर्ड में 6 करेक्टर्स हैं और एस टू में अपन ने कुछ और ज़्यादा करेक्टर्स डाल दिए तो आपकी वैल्यू जीरो से कम आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी. और अगर आपने एस वन एस टू दो वेरिएबल लिए हैं और एस वन की लेंथ ज़्यादा है तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, आपके पास आउटपुट में जो वैल्यू आएगी वो जीरो से बड़ी आएगी, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है. ठीक है, सो इट इज एस सी आर कंपेरिजन फंक्शन. इसकी सारी चीज़ें अपन लिख रखी है, डॉस बैट यूनिस बैट सी में क्या क्या ये सपोर्ट करता है वो सारा अपन ने इसमें लिख रखा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं इसमें जाके. तो ये अपन ने कौन सा फंक्शन देखा, ये अपन ने देखा स्ट्रिंग कंपेरिजन. ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है. कहीं समझ में आया आपको स्ट्रिंग कंपैरिजन, यस और नो? ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, केवल दो फंक्शन अपने डिस्कस किए हैं. बहुत सारे मैंने आपको बताया, अराउंड 50 फंक्शंस हैं. ठीक है, तो ये एक छोटा सा फंक्शन था स्ट्रिंग कंपैरिजन का. तो अपन बहुत सारा काम कर सकते हैं स्ट्रिंग को कंपेयर करके, जैसे अभी मैंने पासवर्ड को कंपेयर किया है ना. आप कहीं इस फंक्शन को लगा के आप कहीं भी किसी को बोलेंगे पासवर्ड एंटर करिए, और वो अगर पासवर्ड से एंटर करता है उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, उसको ऑथेंटिकेट दे सकते हो कि हाँ भाई तू ऑथेंटिकेट आदमी. चलो और क्या है, स्ट्रिंग कैट. कैट का मतलब होता है कॉन्केटिनेशन, अगर दो स्ट्रिंग को ऐड करना. ऐड करने का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी का लिखते हैं ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो आपने लिखा राम लास्ट नेम लिखा प्रसाद, तो दोनों को ऐड करके अगर प्रिंट कर दे तो आपके पास क्या जाएगा, राम प्रसाद. सो लेट हैव एन एग्जांपल. एग्जांपल देखते हैं. ओके, हैश इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ int main, और यहाँ पे देखो दो स्ट्रिंग लेते हैं कैरेक्टर. मैं लेता हूँ फर्स्ट नेम जिसके साथ देता है 10, और एक मैं लेता हूँ लास्ट नेम जिसके साथ देता हूँ मैं 10. ठीक है, अब मैसेज दे देता है अपन printf enter the first name. फर्स्ट नेम आप एंटर करिए, उस फर्स्ट नेम को अपन किस में ले लेंगे, उस फर्स्ट नेम को अपन लिख लेंगे scanf % d,
एंड परसेंट एफ नेम। उसी प्रकार फर्स्ट नेम के बाद अपन क्या ले लेंगे, लास्ट नेम। तो मैसेज दे देंगे इंटर द लास्ट नेम, तो हम मैसेज देंगे इंटर द लास्ट नेम, और उस लास्ट नेम को अपन किस में ले लेंगे, एल नेम में। ठीक है, फिर लास्ट नेम भी आपका आ गया, फर्स्ट नेम भी आपका आ गया। अब अपन क्या करना चाहते हैं, नाउ वी विश टू प्रिंट द होल नेम, पूरा नेम प्रिंट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को एक एक साथ मर्ज करना है, तो क्या करेंगे, एस टी आर सी ओ एन। देखो क्या फंक्शन था, एस टी आर सी ए टी, कंकैटिनेशन। क्या लिखूंगा, एफ नेम कॉमा एल नेम। तो अब ये क्या करेगा, दोनों को कॉन्कैटिनेट करेगा, और दोनों को कॉन्कैटिनेट करके वो वैल्यू किस में डाल देगा, एफ नेम में। तो एफ के नेम की साइज में बढ़ा देता हूँ, 20 कर लेता हूँ, और अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ परसेंट एस कॉमा एफ नेम। देखो क्या आता है, पहले इसको सेव एज कर लेते हैं, फाइल सेव एज, प्रोग्राम नंबर कौन सा है ये, 41.c। कंपाइल करते हैं, कहाँ एरर आ गई है, एफ नेम, अच्छा एफ नेम एन एम। अगेन रन करते हैं, इनकम्पेटेबल, इनकम्पेटेबिलिटी बिल्ड इन फंक्शन एस टी आर सी ए टी। ओके, सो आई जस्ट इंक्लूड हैश, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, रन करते हैं, सो नाउ नो एरर। इंटर द फर्स्ट नेम राम, सेकेंड नेम ओके। एक और चीज़ होती है इसमें, बफर फुल हो जाता है, बफर को अपन को क्लियर क्लीन करना पड़ता है। तो आई डू वन थिंग, आई टेक दिस होल प्रोग्राम इन दिस वन, टर्बो सी थ्री के अंदर कर लेते हैं। इसमें आपको अपने पास फंक्शन है फ्लश ऑल का, दोनों में से कर सकते हैं, उसमें एरर आती है फ्लश ऑल की, उसका फंक्शन सपोर्ट नहीं करता देव सी प्लस प्लस। ठीक है, ये प्रोग्राम मैं इसमें बनाता हूँ, फाइल न्यू, यहाँ लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, देन हैश इंक्लूड, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ आप लोगों के लिए प्रोग्राम को, तो नाउ आई एम डिस्प्लेइंग द वैल्यू हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, और एक अपन को लिखना है हैश इंक्लूड include हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, ये चार ऑर्डर फाइल इंक्लूड कर दी, नाउ void main। अब इस void main में क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे अपन दो वेरिएबल ले लेते हैं, character f name, इसकी साइज अपन ने ली थी 30, इसकी साइज अपन ने क्या ली थी 30, और एक लिया था अपन ने एल नेम, और इसकी साइज अपन ने ली थी 10। फिर मैसेज दिया था प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नेम, उसको अपन क्या करते हैं,
देन स्कैन एफ परसेंट एस कॉमा एंड परसेंट, क्या लिखा अपन ने, एफ नेम ये ले लिया। अब क्या होता है, बफर फुल हो जाता है, तो इस बफर को खाली करने के लिए अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, अपन को यूज करना पड़ेगा फ्लश ऑल। तो ये क्या करेगा, बफर को खाली कर देगा, जो अपन इनपुट ले रहे हैं कंसोल से, तो आपका बफर क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, इसलिए बफर को अपन को खाली करना पड़ता है। तो अपन ने लिया फ्लश ऑल। अब नेक्स्ट ले लेंगे प्रिंट एफ, इंटर द लास्ट नेम स्लैश एन, यहाँ भी स्लैश एन कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर स्कैन एफ परसेंट डी सॉरी परसेंट एस कमा एंड परसेंट नेम एल नेम, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको कॉन्कटिनेट कर देते हैं, एस सी आर सी ए टी कॉन्कटिनेट। पहला क्या है एफ नेम, और दूसरा क्या है एल नेम, और इसको प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ परसेंट नेम इज इक्वल्स टू नेम इज इक्वल्स टू परसेंट एस कॉमा एफ नेम। एक बार रन करते हैं, देखते हैं रन करता है कि नहीं करता है। गेट सी एच, यहाँ पे गेट सी एच क्यों लगा रहे हैं, ये कंसोल है, यहाँ पे रुकता नहीं है, रोकने के लिए अपन को गेट सी एच लगाना पड़ता है। तो इसको अपन सीधा रन करते हैं, फाइल सेव एस कर लेते हैं, प्रोग्राम ये तो आएगा नहीं, पी 341.c तो कंट्रोल एफ नाइन करते हैं, क्या एरर आ गई भैया, अनडिफाइंड सिंबल एस सी आर सी ए टी एस सी आर एस सी आर सी ए टी अनडिफाइंड सिंबल बोल रहा है एस टी आर, ओके प्रिंट एफ पी आर आई एन टी एफ प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इंटर करते हैं अपन सपोज राम, इंटर द सेकेंड नेम प्रसाद। तो देखो आपके पास राम प्रसाद दोनों लिखा हुआ आ गया, तो स्क्रीन ये जो अपन ने फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसका नाम है आपका ये वाला एस टी आर सी ए टी, तो ये जोड़ देता है, जोड़ देगा का मतलब क्या हो गया, आपने फर्स्ट नेम लिखा लास्ट नेम लिखा दोनों ऐड होके आपके पास किस में आ जाएंगे, ये क्या करता है पहले वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी होती है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के साथ जोड़ता है और रिजल्ट में वो वैल्यू किस में डाल देता है पहले वेरिएबल में। तो फर्स्ट नेम में अंदर क्या जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों आ जाएगा। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट क्या करता है, स्ट्रिंग के जो दो स्ट्रिंग है उसके अंदर की जो वैल्यू पड़ी उसको ऐड करता है। क्या ये प्रोग्राम समझ में आया आपको, यस सर नो जल्दी से बताइए, क्या ये प्रोग्राम समझ में आया आपको, सभी लोगों को बताइए जल्दी से, यस सर नो, ओके थैंक यू वेरी मच।